चलो अब फॉर्मेशन ऑफ कमिटी को समझ लो, लेकिन एक लाइन में इंट्रा और एक्स्ट्रा म्यूरल जान लो, आगे डिटेल में बताऊंगा। देखो, म्यूरल्स का मतलब होता है वॉल, यानी कि दीवार। अगर कोई कॉम्पिटिशन चार दीवारी के अंदर हो, जैसे कि विद इन योर स्कूल बाउंड्री, तो इसे इंट्रा म्यूरल कहेंगे, और अगर आउटसाइड ऑफ योर स्कूल बाउंड्री हो तो इसे हम एक्स्ट्रा म्यूरल कहेंगे। जाते तो होगे किसी और स्कूल में खेलने। चलो पहले ये समझो कि कमिटी हमें क्यों बनानी है, ताकि हम जो स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो सिस्टमेटिकली और स्मूथली कंडक्ट हो सके। जो कमिटी का फॉर्मेशन किया जाता है वो लेवल और एरिया को ध्यान में रख करके टॉप, मिडिल और बॉटम लेवल में किया जाता है। अगर इंट्राम्यूरल का एग्जाम्पल ले तो यहाँ स्कूल प्रिंसिपल टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होगा, जबकि एक्स्ट्राम्यूरल में डायरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो डायरेक्टर होगा वो टॉप मैनेजमेंट में आएगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट का हेड, फिजिकल एजुकेशन टीचर आदि होंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज क्या हैं और एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डिसाइड करेंगे, और मिडिल लेवल इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। लोअर लेवल मैनेजमेंट में अदर टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, फाइनेंशियल ऑफिसर, स्टूडेंट वॉलेंटियर्स होंगे, जो कि डायरेक्टिव्स और ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की हायरार्की को देख लो। हायरार्की का मतलब होता है पद सोपान, यानी कि टॉप लेवल पर कौन सा ऑफिसर होगा, फिर उसके नीचे कौन, फिर उसके नीचे कौन, ये जो चैन बनती है इसे ही हम हायरार्की कहते हैं। जो टॉप लेवल ऑफिसर होगा वो नीचे के सभी लेवल को ऑर्डर दे सकता है, कमांड दे सकता है। अगर इंट्राम्यूरल होगा तो टॉप में प्रिंसिपल होगा, उसके नीचे फिजिकल टीचर, फिर मेंबर, देन हेड बॉय एंड हेड गर्ल, एज ए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी काम करेंगे। चैन ऑफ कमांड ऐसे ही फॉलो होगी। और अगर एक्स्ट्राम्यूरल है तो कुछ इस तरीके की हायरार्की फॉलो होगी। इसे एक बार रीड कर लेना। देखो, कमेटी कितनी बनाई जाए इसका कोई फिक्स नंबर नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं, इवेंट का लेवल क्या है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है, और सबसे बड़ी बात, वॉलंटियर का डेडिकेशन कितना है। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंडर चार डिफरेंट कमेटियां होती हैं, जिसमें टेक्निकल कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, मार्केटिंग कमेटी और लॉजिस्टिकल कमेटी होती है। इन सभी कमेटी के कार्यों को थोड़ा ब्रीफ में देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इनसे। किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में जितने भी काम होते हैं उनको प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट स्पोर्ट्स इवेंट में कैटेगराइज किया जाता है, और इन्हीं कैटेगरी को ध्यान में रखकर हम अलग अलग कमेटी के काम को जानेंगे। सबसे पहले टेक्निकल कमेटी के कामों को समझते हैं। ये कमेटी उन सभी टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर ध्यान देती है जो एक स्पोर्ट्स इवेंट में रिक्वायर्ड होती हैं। नेसेसरी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की खरीद के लिए रिक्विजिशन देगी। मैच ऑफिशियल जैसे कि रेफरी, अंपायर, जज, टाइमकीपर, इन सब को मैच के लिए ड्यूटी असाइन करेगी। प्री स्पोर्ट इवेंट या फिर प्री टूर्नामेंट में रिक्विजिशन ऑफ इक्विपमेंट, इनविटेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑफिशियल्स, क्लीनिंग और लेआउट ऑफ फील्ड, स्टेशनरी को अरेंज करना, फिक्स्चर तैयार करना और जरूरी रूल्स और रेगुलेशन को तैयार करना आदि, ये सारे काम टेक्निकल कमेटी प्री टूर्नामेंट में करेगी। ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स इवेंट मैचेस को कंडक्ट कराना, स्पोर्ट्स ज्यूरी की प्रेजेंस सुनिश्चित करना, ग्राउंड की सफाई और लेआउट के मेंटेनेंस पर काम करना, स्कोर शीट को कलेक्ट करना, ऑफिशियल पेपर सारे कलेक्ट करना और मेरिट लिस्ट को तैयार करना, ये सारे काम टेक्निकल कमेटी के होंगे ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। और इवेंट के खत्म होने के बाद ग्राउंड की सफाई करवाना, सभी इक्विपमेंट को वापस जमा करवा देना, ये सारे काम करती है ये कमेटी। अगली कमेटी है लॉजिस्टिकल कमेटी। इसका स्कोप ऑफ वर्क ज्यादा होता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, रिफ्रेशमेंट, डेकोरेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी आदि। इस कमेटी के काम को आसानी से करने के लिए इसे फर्दर कई सब कमेटियों में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे ट्रांसपोर्ट कमेटी या रिफ्रेशमेंट कमेटी आदि को कुछ निर्धारित काम दे दिए जाते हैं और ये सब कमेटी वही काम परफॉर्म करती है, और यहाँ ऐसा करने से मैनेजमेंट की दृष्टि से आसानी हो जाती है। लॉजिस्टिक कमेटी के द्वारा जो प्री टूर्नामेंट काम किए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, स्टेशनरी, लाइट एंड साउंड इक्विपमेंट, इन सभी को मैनेज करना, सभी को इनविटेशन भेजना, मेडल और सर्टिफिकेट, फर्स्ट एंड किट आदि की खरीदी कर व्यवस्था करना, खिलाड़ियों के लिए बोर्डिंग और लॉजिंग का अरेंजमेंट करना, सिलेक्शन ऑफ वॉलंटियर को भी सुनिश्चित करना। आपको अगर मौका मिले वॉलंटियर बनने का तो जरूर बनिएगा, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी, नॉलेज, ये सारी चीजें आपके अंदर डेवलप होंगी।
ड्यूरिंग द टूर्नामेंट लॉजिस्टिक कमेटी के कामों की बात करें तो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करना, ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी को कंडक्ट कराना, रिफ्रेशमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था करना, स्पेक्टेटर्स को भी मैनेज करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेंट, मेडल और सर्टिफिकेट को हैंड ओवर करना, ये सारे काम लॉजिस्टिकल कमेटी करती है। और आफ्टर द टूर्नामेंट वेन्यू को क्लीन करवाना और सभी इक्विपमेंट को यथास्थान पहुंचा देना, ये सारे काम लॉजिस्टिकल कमेटी के होंगे। देखिए पोस्ट टूर्नामेंट थोड़े कम काम होते हैं किसी भी कमेटी के पास, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सोच करके आप आंसर लिख सकते हैं। फाइनेंस कमेटी की बात करें तो ये कमेटी सभी स्तरों पर जैसे प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, अकाउंटिंग पर फाइनेंस रिलेटेड मुद्दों पर सहयोग करती है, स्पॉन्सरशिप को फाइनल करती है और अट्रैक्ट करने की कोशिश भी करती है। ये कमेटी बैकबोन होती है किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन में। प्री टूर्नामेंट टास्क के रूप में बजट को प्रिपेयर करना, स्पॉन्सरशिप के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना, इसका मतलब साधारण शब्दों में समझौता करना, एग्रीमेंट करना, और सभी जरूरी इक्विपमेंट की खरीद के लिए फंड रिलीज करना यानी कि सैंक्शन करना, ये सारे काम होते हैं। टूर्नामेंट के दौरान ये कमेटी मनी के इनफ्लो और आउटफ्लो पर नजर रखती है, जैसे जो ऑफिशियल काम कर रहे हैं उनके रेन्यूमरेशन आदि को डिस्ट्रीब्यूट करना, और जब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है तो ये कमेटी सभी रिकॉर्ड्स को एग्जामाइन करके जो भी रिमेनिंग बिल्स होते हैं पेंडिंग में उन्हें सेटल करती है और एक फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करती है। अगली है मार्केटिंग कमेटी। ये कमेटी प्लान और स्ट्रेटजी डेवलप करेगी स्पोर्ट्स इवेंट की पब्लिसिटी के लिए ताकि स्पॉन्सरशिप को अट्रैक्ट किया जा सके। इसके लिए जो भी माध्यम हो जैसे कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी, ईमेल आदि सभी का प्रयोग ये कमेटी कर सकती है। ये कमेटी मार्केटिंग कैंपेन भी लॉन्च करती है पब्लिसिटी के लिए। टूर्नामेंट से पहले प्लान और स्ट्रेटजी बनाएगी, स्पॉन्सर्स के साथ मीटिंग अरेंज करेगी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेगी और इवेंट के टेलीकास्ट को सुनिश्चित करेगी। टूर्नामेंट के दौरान प्रेस रिलीज इशू करेगी, मीडिया को मैनेज और उनसे कम्युनिकेट करेगी और स्पॉन्सरशिप की जो भी शर्तें होंगी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में साइन होने पर उनके हिसाब से वो टेलीकास्ट को भी करवाने पे ध्यान देगी। ये एक चेकलिस्ट है जो आमतौर पर स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करने से पहले ध्यान देना चाहिए, इसे एक बार पढ़ लेना है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसे अटेम्प्ट कर लो।